Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Exercise 7.2 start karte hain, theek hai? Exercise 7.2 ka question number 1 hai, let a is equal to 2,5, a point given hai, theek hai? B point bhi hame given hai, jiske coordinates hain -1,1, aur C point bhi hame given hai, jiske coordinates hain 2,-6. सही, तो हमने फाइंड करना है ए बी वेक्टर, पहले पार्ट में ए बी वेक्टर फाइंड करना है। तो ए बी वेक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं, दो पॉइंट्स हमें गिवन हो तो हम ए बी वेक्टर किस तरह से फाइंड करते हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें है फाइंड करना 2 into AB, ठीक है। पहले ए बी इसमें फाइंड करेंगे, फिर माइनस सी बी कर देंगे, ए बी फाइंड करेंगे, ठीक है, ए और बी पॉइंट से, और उसके बाद सी बी वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है, और ए बी को 2 से मल्टीप्लाई करके उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट इसका है, थर्ड पार्ट जो है वो है 2CB, सही, -2CA। तो इसमें क्या है कि पहले सी बी फाइंड करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, फिर सी ए फाइंड करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो थर्ड पार्ट में इसमें कर देता हूं, ठीक है। थर्ड पार्ट हम करते हैं सी बी, पहले सी बी फाइंड करते हैं, सी बी, सी बी किसके बराबर होगा, सी बी इसमें हेड है और सी इसमें टेल है, ठीक है। तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस सी का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, -1 -2, ठीक। तो इसके साथ आई हैट आ जाएगा क्योंकि x कोऑर्डिनेट्स हैं, x कंपोनेंट्स हैं, प्लस y, y इसमें क्या है, b का y कंपोनेंट 1 माइनस जो है c का y कंपोनेंट 1 + 6 हो जाएगा, 1 + 6, और इसके साथ j हैट आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा सी बी इज इक्वल टू -2i हैट + 7j हैट, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर आ गया सी बी, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 into CB इज इक्वल टू 2 × ये वेक्टर सी बी है, ठीक है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -4i हैट + 14j हैट, ठीक है, ये j हैट, अच्छा ये बन गया 2CB, सही है। इसी तरह से हमने फाइंड करना है 2CA, पहले CA फाइंड करते हैं, CA इज इक्वल टू किस तरह आएगा, ए जो है इसमें हेड है और सी जो है उसमें टेल है, तो ए माइनस सी करेंगे, 2 - 2 = 0, ठीक है, 2 - 2, और साथ में आई हैट आ जाएगा, ठीक है, प्लस वाई, वाई के ए का वाई माइनस सी का वाई, ठीक है, ए का वाई क्या है 5, माइनस सी का वाई -6, मतलब कि 5 + 6 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 - (-6), सही, तो ये बन जाएगा 0i हैट + 11j हैट, ठीक है, मतलब कि i हैट x कॉम्पोनेंट 0 हो गया, बाकी हमारे पास बचा 11j हैट। तो ये हमारे पास आ गया सी ए, सही, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2CA क्या आएगा, 2 × 11j, 2 × 11j, ये बन जाएगा 22j हैट, ठीक है। तो 2CA भी हमारे पास आ गया, तो 2BC भी, CB भी हमारे पास आ गया, तो इनको आपस में हमने सब्ट्रैक्ट करना था, मतलब के हमने फाइंड करना था 2CB - 2CA, ठीक है। तो 2CB की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, जो कि -4 + 14 -4i + 14j, और इसमें से हमने माइनस करना है इसको, ठीक है, 2CA को, जो कि वैल्यू है 22j हैट। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, -4i हैट + 14j हैट और -22j हैट, ठीक हो गया। अब यहां से -4i हैट, ये +14 और -22, ये बन जाएगा -8j हैट, ठीक है।
तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया इसका, किसका रिजल्ट है, 2CB-2CA का, सही, यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है जी, हमें यू दिया हुआ है, यू वेक्टर, सही है, जो कि है आई प्लस टू जे, आई हैट प्लस टू जे हैट माइनस के हैट, ठीक है, ये वेक्टर स्पेस में है क्योंकि इसके तीन जो है वो आगे हैं कंपोनेंट्स। तो v वेक्टर भी हमें गिवन है, v वेक्टर बराबर है 3i हैट माइनस 2j हैट प्लस 2k हैट, ठीक है, ये v वेक्टर हो गया। और w वेक्टर भी हमें गिवन है, w वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं 5i हैट माइनस j हैट प्लस 3k हैट, ठीक है, ये तीन वेक्टर्स हमें गिवन है और हमें तीन पार्ट्स हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है, ठीक है, एक तो है u प्लस 2v प्लस w, ये आपने फाइंड करना है, सही, और दूसरा पार्ट है v माइनस 3w, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है, और थर्ड पार्ट है 3v प्लस w, ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। तो मैं इसमें भी थर्ड पार्ट फाइंड कर देता हूँ, बाकी दो आसान है, ठीक है, वो आप खुद से करेंगे, थर्ड पार्ट मैं करता हूँ। थर्ड पार्ट है 3 इंटू वी प्लस डब्ल्यू का मॉड, पहले तो हम 3v प्लस डब्ल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, 3v प्लस डब्ल्यू किसके बराबर होगा, 3 इंटू वी, v हमारे पास गिवन है जो कि वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस 2k, 3 इंटू 3i माइनस 2j प्लस 2k, ये 3v हो गया, प्लस इसमें करना है हमने w को, w क्या है 5i माइनस j प्लस 3k, सही है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 9i हैट माइनस 6j हैट प्लस 6k हैट, ठीक है, और इसमें ऐड हम करेंगे w को 5i हैट माइनस j हैट प्लस 3k हैट। अब इसमें हमने इनको आपस में सॉल्व करना है, i i में ऐड हो जाएगा, ठीक है, j j में और k k में, तो 9i प्लस 5i कितने होते हैं 14i, ठीक, इसी तरह से माइनस 6j माइनस 1j माइनस 7j हो गया, और k आ जाएगा प्लस 6k प्लस 3k प्लस 9k, ये तो रिजल्ट आ गया इसका 3v प्लस w का। हमने फाइंड करना 3v प्लस w का मैग्नीट्यूड, ठीक है, 3v प्लस w का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एक वेक्टर का किस तरह से फाइंड करते हैं कि उसके सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, 14 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और उसका फिर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये 14 का स्क्वायर 196 आ जाएगा, 196 प्लस 7 का स्क्वायर जो है 49 प्लस 9 का स्क्वायर 81 और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, इसको आपस में ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा अंडर रूट 326, तो ये रिजल्ट है इसका 3v प्लस w के मैग्नीट्यूड का। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री में है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, ठीक है, v वेक्टर हमें गिवन है, पहला पार्ट जो है उसमें v वेक्टर हमें गिवन है कि इज इक्वल टू 2i हैट प्लस 3j हैट प्लस 4k हैट, ठीक है, ये हमें वेक्टर गिवन है, हमें कहा है कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना हमें, हमने पहले पिछले क्वेश्चन में भी किया, ठीक है, कि सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर ले लिया जाए और उसको ऐड करके फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए, ठीक है, जिस तरह से मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमें कहा गया है इस क्वेश्चन में कि एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वी, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं पहले वो हम देख लेते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस, देखें अगर एक वेक्टर एक स्पेस में लाई कर रहा है, ठीक है, जिस तरह से मैं पहले एक स्पेस बनाता हूँ, स्पेस में थ्री डायमेंशन आ जाती हैं, एक एक्स और वाई और जेड डायमेंशन आ जाती हैं, ठीक है, ये हो जाएगी और एक ये डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है, इसको हम एक्स कह देते हैं, इसको वाई कह देते हैं और इसको जेड कह देते हैं, ठीक है, ये स्पेस की डायमेंशन है तीन, तो इसमें एक
वेक्टर लाए कर रहे हैं, अगर ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है ठीक है, तो v वेक्टर इसको कह देते हैं, तो v वेक्टर जो है उसके एंगल्स बन रहे होंगे तीनों डायमेंशन के साथ, मतलब कि एक एंगल बन रहा होगा इसका x के साथ, ठीक है, ये x के साथ एंगल बनता है, ठीक है, इसी तरह से एक एंगल बन रहा होगा y के साथ, ये एंगल y के साथ बन गया, और एक एंगल बन रहा होगा इसका z के साथ, मतलब कि एक एंगल ये बन गया z के साथ, ठीक है। तो x के साथ जो एंगल बनता है उस वेक्टर v का, उसको हम अल्फा कहते हैं, ठीक है, अल्फा। और जो y के साथ, y एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको हम बीटा कहते हैं, सही। और जो हमारा एंगल इस वेक्टर का बनता है z एक्सिस के साथ उसको हम गैमा कहते हैं, ठीक है। तो ये एंगल्स हैं, और इनका कोसाइन ले लिया जाए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, तो ये आ जाते हैं एंगल कोसाइंस, ठीक है। तो ये हम इसमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो वो कैसे आएगा कि पहले तो हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, उसके बाद v वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से, तो हमारे पास तीन कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, एक x, एक y और एक z, ठीक है, मतलब कि i, j और k, ठीक है। तो फिर ये जो होंगे, ये cos अल्फा होगा, ये cos बीटा, ये cos गामा, ठीक है, ये एंगल कोसाइंस आ जाएंगे आपके पास। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आपने फाइंड करना है एक अननोन, ठीक है, फाइंड ए, फाइंड ए, ए आपने फाइंड करना है, ए कहां पर है। देखिए आपको एक इक्वेशन गिवन है, ए आई हैट प्लस ए प्लस 1 जे हैट प्लस 2k हैट का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है किसके, 3 के, ठीक है, ये आपको गिवन है। तो a हमने इसमें से फाइंड करना है, तो पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, उसको 3 के बराबर रखते हैं, तो हमारे पास वहां से आ जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए किस तरह फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड के तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर ले लेते हैं और उनको ऐड कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हो जाएगा 3 के, ठीक है। तो ये a स्क्वायर बन गया प्लस a प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 आ गया। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं, मजीद a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a प्लस 5, सही है, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 आ गया। अब यहां से आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको किस तरह से सॉल्व करें, देखें इसको, एक तो हम इसका स्क्वायर रूट खत्म कर सकते हैं, किस तरह से खत्म कर सकते हैं, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, दोनों साइड्स पे, इक्वेशन की दोनों साइड्स पे, तो ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5 इज इक्वल टू 9, सही है। तो इस 9 को हम इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, 2a प्लस 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो बाकी तो इसी तरह आ जाएंगे वेरिएबल्स वाले ये टर्म्स, ये बन जाएगा प्लस 5 माइनस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये है 2a, ठीक है। अब ये देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करके हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यूज आएंगी, a इज इक्वल टू, एक तो माइनस 2 आ जाएगी और a इज इक्वल टू 1 आ जाएगी, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आ जाती हैं इसको सॉल्व करने से। तो यही हमने a की वैल्यूज फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v, मतलब कि वेक्टर v हमें गिवन है जो कि बराबर है i हैट प्लस 2j माइनस k, ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर हम इसका किस तरह से फाइंड करेंगे, इसका पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, ठीक है, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, उसके बाद यूनिट वेक्टर बराबर हो जाएगा v वेक्टर डिवाइडेड बाय v वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, ठीक है, कि हम इसका मैग्नीट्यूड इस तरह से पहले से भी फाइंड कर चुके हैं, स्पेस में कोई वेक्टर था, ठीक है, उसी तरह से इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेके उनको ऐड करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, उससे हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, फिर उस वेक्टर को, v वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा।
तो इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ ए बी एंड सी तीन वेक्टर्स हमें गिवन है, ठीक है। ए वेक्टर है जिसके जो कि बराबर है 3i माइनस जे माइनस 4k, और बी वेक्टर भी हमें गिवन है जो कि बराबर है माइनस 2i माइनस 4j और माइनस 3k, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और वेक्टर गिवन है सी वेक्टर जो कि बराबर है i हैट प्लस 2j हैट माइनस k हैट, ठीक है। ये तीन वेक्टर हमें गिवन है। अब हमें कहा गया फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू यूनिट वेक्टर हमने फाइंड कर रहा है जो कि पैरेलल टू हो 3a माइनस 2b प्लस 4c, ठीक है। इस वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए वो वेक्टर यूनिट वेक्टर, तो पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। तो हम ये पहले फाइंड कर लेते हैं 3a माइनस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू होगा 3 इंटू ए 3i माइनस जे माइनस 4k, सही। और माइनस 2b है 2 इंटू बी माइनस 2i माइनस 4j माइनस 3k, ठीक है। और आगे है प्लस 4c प्लस 4 इंटू सी, सी है i प्लस 2j माइनस k। तो ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 9i हैट माइनस 3j माइनस 12k माइनस बल्कि ये प्लस हो जाएगा 4i प्लस 8j प्लस 6k प्लस 4i प्लस 8j और माइनस 4k। तो इसको आपस में हम सॉल्व कर लेते हैं, आई आई में ऐड हो जाएगा जे जे में और के के में। तो इसको ऐड करते हैं 9 प्लस 4 प्लस 4 कितना बनता है 9 प्लस 4 13 13 प्लस 4 17 17 आई। आगे जे को ऐड करते हैं माइनस 3 प्लस 8 ये बन गया 5 और 5 प्लस 8 13 प्लस 13 जे आ गया। और के को ऐड करते हैं माइनस 12 प्लस 6 ये बन गया माइनस 6 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 के ये हमारे पास आ गया 3a माइनस 2b प्लस 4c, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और इसको उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो कि इस वेक्टर के पैरेलल होगा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं 3a माइनस 2b प्लस 4c का मैग्नीट्यूड बराबर होगा 17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक। अब इसका 17 का स्क्वायर क्या होता है ये बन जाएगा 289 प्लस 13 का स्क्वायर 169 प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 100, सही। इन तीनों को आपस में ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 558, ठीक है। ये आ गया मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसको अब इसके वेक्टर से डिवाइड कर देंगे, मतलब के इससे डिवाइड करें तो ये बनता है 17 डिवाइडेड बाय 558 अंडर रूट आई हैट, सही, प्लस 13 डिवाइडेड बाय 558 स्क्वायर रूट जे हैट और माइनस 10 डिवाइडेड बाय 558 अंडर रूट के हैट। ये हमारे पास वो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जो के इस वेक्टर के पैरेलल है 3a माइनस 2b प्लस 4c के। और यही हमने यूनिट वेक्टर इस क्वेश्चन में फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 6 में, तो जो कि हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है।